फतेहपुर की आभापल्ली थाना क्षेत्र में डीआरजी और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया। मौके से मारे गए नक्सली के शव के साथ ही 315 बोर की राइफल बरामद की गई है। आभापल्ली थाने से 8 किलोमीटर दूर पन्नूर इलाके में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें मौके पर नक्सल एरिया कमांडर नागेश के 20 से 25 नक्सलियों के साथ होने की सूचना थी, जिस पर डीआरजी की टीम जब मौके पर पहुंची और इसी दौरान ये मुठभेड़ हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, बीजापुर से जहां आभापल्ली थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है और 20 से 25 नक्सली मौके पर थे, जिसमें नक्सल एरिया कमांडर नागेश के होने की भी सूचना मिली। डीआरजी और नक्सलियों के बीच में काफी देर तक मुठभेड़ होती रही। बड़ी खबर बीजापुर से मिल रही है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर होने की भी खबर है। डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। आभापल्ली इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये मुठभेड़ हुई। 25 से लगभग 20 से 25 नक्सली इस मुठभेड़ में बताए जा रहे हैं, जिसमें एक ढेर हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ फरार सुल्तान पवन दुर्गम फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पवन, क्या और जानकारी मिल पा रही है हमें? जी बता दें, ये आभापल्ली थाना क्षेत्र के पुन्नूर का इलाका है, जो पूरी तरह सघन माओवाद प्रभावित इलाका है। वहां पे जो बड़े नक्सल लीडर नागेश, उनकी छुट्टी बोलती है, उस तरफ एक नक्सलियों के होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके चलते आभापल्ली से डीआरजी की एक टीम कल रात में निकली हुई थी। आज जब वो पुनूर पहुंची तो तड़के उनकी मुठभेड़ जो है वो नक्सलियों के साथ हुई है। नक्सली जो है वो पूरी तरह से हथियारधारी थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद, मुठभेड़ के बाद, तलाशी में एक नक्सली का शव मिला है और एक हथियार जो है वहां से बरामद हुआ है, 315 बोर की बंदूक है। और जो 20 से 25 नक्सली जो बताए जा रहे थे जो मुठभेड़ में शामिल थे, वो जंगल की जो आड़ है उसको लेकर वहां से भागने में कामयाब रहे हैं। और जो नक्सली है उसका शव जो है उसको आभापल्ली थाने में लाया गया है। अभी नक्सली की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दूं कि जो नागेश है, जो नक्सल लीडर है, उस एरिया में पूरी तरीके से सक्रिय है, बहुत लंबे समय से उस एरिया में सक्रिय है और उसकी पताशाही के लिए जो फोर्स है वो निकली हुई थी। जी, लगभग कितनी देर तक ये मुठभेड़ चलती रही और इसी के साथ ही कितने सदस्य टीम पुलिस जवान की मौके पर मौजूद थे? जी, डीआरजी की एक टुकड़ी थी, सामान्य टुकड़े में 25 से 30 जो जवान है वो उसमें होते हैं। और करीब आधे से एक घंटे तक ये मुठभेड़ चली थी। सुबह सुबह का समय था, सड़के सुबह का समय था जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी और पुलिस को भारी पड़ता देख जो नक्सली है वो वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद जो सर्चिंग की गई उसमें जवान का शव और एक जो हथियार वो बरामद हुआ। साथ ही एसपी जो बीजापुर है दिव्यांग पटेल, उनका कहना है कि इस मुठभेड़ में कई और नक्सली जो है वो मारे गए हैं। वो इसलिए इसका दावा कर रहे हैं क्योंकि मुठभेड़ स्थल पे खून के जो धब्बे हैं वो बहुत वहां पे मिले हैं। तो इसलिए पुलिस दावा कर रही है कि और भी नक्सली उस मुठभेड़ में मारे गए होंगे। उस पूरे इलाके को घेर कर पूरी पताशाही की जा रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन। और अब देखेंगे कर्नाटक एक्सप्रेस।